हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हेमा जोशी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी एक ट्रेडिशनल रेसिपी। वैसे तो ये पिथौरागढ़ की रेसिपी है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बट अब सभी घरों में ये बनने लग गया है। इसे चावल से भी हम बना सकते हैं और सूजी से भी बना सकते हैं। मैं इसे सूजी से बना रही हूँ और इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी, आपके संग शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब सूजी ली है। इसको मैं इस पतीले में खाली कर लूँगी और सूजी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1/2 लीटर दूध। सूजी को मैंने छान लिया है, आप भी छान के यूज कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी दही। दही मैंने 1/2 किलो यूज किया है। 1 किलो सूजी में 1/2 किलो दही, 1/2 लीटर दूध डाला है। इसके बाद भी अगर आपकी सूजी अच्छे से नहीं घुलती है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर सकते हैं। गीला नहीं बनाना हमें इसे, ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं रखनी इसकी, थोड़ी थिक रखनी है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 1 घंटे के तकरीबन इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसे ज़्यादा जल्दी भिगा के छोड़ देंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट इसके सेल बनेंगे। लगभग 2 घंटे हो चुके थे, अब मैं इसमें डालूँगी बनाना। केले डालने से सेल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बहुत ज़्यादा बनाना ऐड नहीं करना है हमें, 2 से 4 बनाना हमें 1 किलो में ऐड करना है, तो आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, हमें मोटा मोटा नहीं छोड़ना, इसे अच्छे से मैश करना है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर दूँगी और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की पन्नी ली है। आप अगर कपड़े में बनाना चाहे तो कपड़े से ही बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की पन्नी ली है। इसको मैंने साइड से कट कर लिया था। जैसे जलेबी बनाते हैं सेम उसी मेथड से हमें ये बनाना है। साइड से मैंने इसे सीजर से कट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में राइस ब्रैन ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और उसमें मैं ऐड करूँगी जो ये पेस्ट हमने इसमें भर लिया था, उसे जलेबी के आकार से हम सेल बनाएंगे। सेम जलेबी की तरह ही हमें बनाना है और हमें इसे दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, राइस ब्रैन ऑयल बहुत अच्छा होता है, राइस ब्रैन ऑयल बहुत अच्छा होता है हमारे हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे सेल बना लिए हैं। देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। विश यू